नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिक्षा की पूरी टीम की तरफ से। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं की भौतिकी के लिए परीक्षा की तैयारी और यहाँ पर जो है जो एग्ज़ाम सीरीज चल रही है वही आपको हमारे एप्लीकेशन में भी दिखाई देती है, जहाँ आप मिशन 2023 के नाम से इसे अलग सेक्शन में देख सकते हैं। यदि आपने हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो वहाँ आपको एडिशनल फीचर्स मिलेंगे और यदि आप यूट्यूब पर ये वीडियोज़ देख रहे हैं तब भी हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हुई हैं, बहुत सारे जो है विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। पिछली कक्षा में हमारी जो चर्चा थी वो थी किसी भी एक परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उससे क्या चुंबकीय प्रवृत्ति जो है हम देख सकते हैं, हम लोगों ने उसके बारे में बात किया। आज हम इसके आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य जो संबंध होता है इसको तो हम लोगों ने देख ही लिया था, लेकिन अब इस घटना का जो है हमारे ऊपर जो है क्या असर पड़ता है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे ही आपने किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पदार्थ के अंदर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। हम लोगों ने एक परमाणु के तौर पर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन यानी कि हीलियम के बारे में बातें की थी और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हाइड्रोजन के ऊपर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का नगण्य प्रभाव पड़ता है, किंतु हीलियम जैसे परमाणु पर विपरीत दिशा में चुंबकशीलता नजर आती है। ये देखने के बाद में हम आप बाहु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हम लोगों को पता है कि आप बाहु ने एक व्याख्या की थी और वो ये की थी कि जब भी जो है हम किसी परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं उसमें उपलब्ध इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित क्रम में बटते हैं और उस क्रम में बटे जाने का मुख्य कारण ऊर्जा के स्तरों का होना है। नील्स बोर की व्याख्या के अनुसार किसी भी परमाणु के आसपास किसी भी नाभिक के आसपास गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम यानी कि किसी भी जो है त्रिज्या पर जो है गति नहीं कर सकता, बल्कि वह एक ऐसी कक्षा का चुनाव करेगा जहां पर उसके कोणीय संवेग का मान NH बटा 2 पाई के बराबर हो और इस विशेष स्थिति में इसकी ऊर्जा में कोई भी ह्रास नहीं होता, कोई भी नुकसान नहीं होता। तो अब इसके बाद में जो है आफबाओ ने बताया कि जब भी जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है उसके लिए उन्होंने नियम बनाया और इसको जो है हम देख सकते हैं कि कैसे 1s में दो इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में दो इलेक्ट्रॉन, फिर 2p और 3s, फिर 3p, 4s और इस प्रकार से हर एक कक्षा में SpDf ये इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग SpDf या इलेक्ट्रॉनों के जो है वितरण के लिए अलग अलग प्रकार की कक्षाएं हैं और इन सारी कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा के स्तरों का मान एक बराबर होता है। हम सोडियम के लिए जो है जब ऊर्जा के मतलब इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बात करेंगे तो सोडियम के पास में कुल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 11 इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने किस प्रकार से मतलब विभाजित किया है। देखिए, सबसे पहले 1s में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2s में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अब कितने बच गए, तो 5-7 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आने के बाद में 3s में एक इकलौता इलेक्ट्रॉन बचा और ये इकलौता इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्वतंत्र रूप से गति कर रहा होगा और बाकी सब जो है यहाँ देखिए प्रत्येक कक्षा में ये जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को नष्ट करने वाले होंगे, लेकिन ये इकलौता इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में है यह उस प्रति मतलब उस विशेष त्रिज्या वाले कक्षक में अकेला होने के कारण एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा और मूल रूप से सोडियम के पास में एक चुंबकीय गुण पहले से ही विद्यमान होगा जैसे कि हाइड्रोजन के पास था। अब इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो वर्गीकरण किया उसमें तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहले पदार्थ को अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, दूसरे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और तीसरे प्रकार के पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास के पदार्थों की तुलना और उनका कंपेरिजन करते हुए हम इन सब के बारे में जान लेंगे। तो पेन कॉपी उठाइए और बिल्कुल तैयार हो जाइए, हम बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? प्रति का मतलब होता है विपरीत या ऑपोजिट या उल्टा। तो जैसे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है उसी प्रकार चुंबकीय पदार्थ के विपरीत प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। ये ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर उससे प्रतिकर्षित होकर उससे जो है
रिपेल होके दूर जाने लगते हैं। यदि हम लोगों ने कांच की एक ऐसी नली ली जो यू के प्रकार से दिखाई देती है और उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो है द्रव भर दिया, तो चुंबक के रखे जाने पर वह दूर हट जाएगा और यहाँ पर जो है अगर हम इसके स्तरों की तुलना करेंगे तो उसके विपरीत दिशा में जो है स्तर ज़्यादा दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। यदि इन पदार्थों पर चुंबकीय बल रेखाओं की जो है घटना को देखा जाए तो बाह्य रूप से जो है यदि इतने जो है चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ आ रही हैं तो उस पदार्थ के अंदर से जाने के बजाय चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ के बाहर से निकल जाती हैं और इसके अंदर इस पदार्थ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व बाह्य घनत्व की तुलना में कम होता है या इस पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स बाहर की ओर मतलब बाहर की भी तुलना में कम होता है। इसको जो ध्यान में रखते हुए हम परिभाषा बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिन जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं और शक्तिशाली चुंबकीय सिरे लगाने पर प्रतिकर्षित होने लगते हैं। इसके बाद में इसके गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, जैसे सोशल का एंटी सोशल या हैप्पी का अनहैप्पी होता है, उसी प्रकार से चुंबकीय पदार्थों का विपरीत होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसके उदाहरण आपको याद रखने चाहिए क्योंकि जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिस्मस, फास्फोरस, एंटीमनी, पारा, वायु, हाइड्रोजन, चांदी, सोना, तांबा, नमक, जल, नाइट्रोजन, ये सभी के सभी पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थों का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखिए कि इनके क्या क्या गुण पाए जाते हैं। पहला है शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। दूसरा है कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लटका देंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। आगे की स्लाइड में हम इस प्रकार का चित्र देखेंगे। उसके बाद में जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो स्ट्रांग वाले जगह से दूर हटके, जैसे पानी होता है, अगर ढाल है तो पानी जो है वो मतलब ऊंची जगह से बहकर निचली जगह में आ जाता है, उसी प्रकार से अगर किसी जगह में चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं है तो जहाँ ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ से हट कर ये जहाँ कम चुंबकीय क्षेत्र है ऐसी जगह में चलने लगता है। यूट्यूब की बात तो हम लोगों ने कर ही दी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता एक से थोड़ी कम होती है, ये बात ध्यान में रखने वाली है, अपेक्षित चुंबकशीलता एक से थोड़ी कम होती है। म्यू म्यू आर बराबर एक धन काई, तो ये जो है हम देख सकते हैं। अब देखिए कि ये पदार्थ क्यूरी के नियम का पालन नहीं करते। क्यूरी का नियम क्या होता है इसके बारे में हमको चर्चा करनी है और इनकी तुलना अद्रुवीय पराविद्युतक से की जा सकती है, मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें कोई ध्रुव उत्पन्न नहीं होता और अद्रुवीय पराविद्युतक ये वो होता है। अब हम जो है आगे बात करेंगे कि मैग्नीशियम, भाई सोडियम के जस्ट बाद जो है क्या आता है, सोडियम के जस्ट बाद आता है मैग्नीशियम और ये एक ऐसा पदार्थ है जिस पदार्थ में जो है क्या होता है भाई, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके कारण इसकी आखिरी जो कक्षा है वहाँ पर भी जोड़े में ही इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसका चुंबकीय पदार्थ कुछ अलग होगा, जैसे कि हम लोगों ने हीलियम के लिए थोड़ी देर पहले जो है परमाणु व्याख्या में जो है देखा था कि किस प्रकार से आखिरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण बाह्य चुंबक क्षेत्र के मतलब प्रभाव में आने पर इसमें जो है चुंबकीय पदार्थ किस प्रकार से विपरीत दिशा में जो है काम करने लगते हैं, तो यहाँ पर जो है हम उस प्रकार की व्याख्या देख रहे हैं। आगे जो है हम क्या देख रहे थे कि भाई यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन है और हम लोगों ने बल के बारे में देखा था, तो बल जो है एक जगह कैसा लगेगा, एक जगह जो है इसको अंदर लाने के लिए लग रहा होगा जबकि दूसरा वाला बल जो है इसकी त्रिज्या को बढ़ा करके इसको बाहर ले जाने का प्रयास करेगा। जब त्रिज्या कम होगी तो यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का मान नियत है इसलिए त्रिज्या कम होने पर वेग में वृद्धि हो जाएगी ताकि मतलब गतिज ऊर्जा जो है नियत बनी रहे और इसलिए जो है यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव तेज हो जाएगा, जबकि त्रिज्या बढ़ जाने के कारण अब क्या होगा कि यहाँ पर त्रिज्या बढ़ जाएगी और इसका वेग कम हो जाएगा और वेग कम होने से इसका चुंबकीय प्रभाव क्षीण हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस जिस जो हमारे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है इसके विपरीत दिशा में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा ऐसे पदार्थों में और इसका प्रभाव हम देखते हैं। ठीक है,
अब अगले वीडियो में हम देखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणधर्मों को जानने के बाद में हमें पता चलेगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।